व्याज करोने अंकुश मिलवा लेवा माटे सरकार द्वारा जे पोलिस नो लोक दरबार नो आयोजन करवामां आव्युं छे, जेना भाग रूपे आजे भूज मां लोक दरबार नो आयोजन करवामां आव्युं हतुं। क्यांक ने क्यांक प्रशासन साथे संकळાયેલા લોકો આ દૂષણમાં સામેલ હોવાનું ફલિત થતા ભારે ચકચાર વ્યાપી। राज्य सरकार व्याज करो ने अंकुश में लेवा माटे पोलिस ने लोक दरबार योजवानुं आह्वान करवामां आव्युं हतुं, जेना भाग रूपे आज भूज में पोलिस द्वारा व्याज करो ने अंकुश में लेवा माटे लोक दरबार नुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ लोक दरबार में खास करीने संख्याबंध लोको ए व्याज थी पीड़ित होवानी वात रजूआत करी हती। केटलाक लोको 10-20% सुधी व्याजना दूषणनो भोग बनता होवानी पण वात करवामां आवी हती। क्यांक ने क्यांक प्रशासन साथे संकळાયેલા તત્વો પણ આ ધંધામાં ખૂબ જ ફાલિયા ફૂલિયા હોય અને સક્રિય હોય એવી વાત સપાટી ઉપર આવતા પોલીસ તંત્ર સ્તબ્ધ થઈ ગયું હતું। જો કે કેટલાક લોકોએ રજૂઆત વડે આંખમાં પાણી આવી ગયા હતા, જે પરિસ્થિતિ વ્યાજની છે તે જોતાં તાત્કાલિક અસરથી પોલીસે ના પર શિક્ષાત્મક પગલાં લે એ પણ આવશ્યક હોવાની વાત સપાટી ઉપર આવી છે। જો કે પોલીસ તંત્રએ આશ્વાસન આપ્યું હતું જે વ્યાજખોરોનું દૂષણ છે એ દૂષણ દૂર કરવામાં આવશે અને વ્યાજખોરો સામે શિક્ષાત્મક પગલાં લેવામાં આવશે અને લોકો નિર્ભયપણે રજૂઆત કરે તેવું આહવાન પણ કરવામાં આવ્યું હતું। હવે જોઈએ એક વ્યક્તિ દ્વારા જે પીડા રજૂ કરવામાં આવી હતી તેની આમતક ન્યૂઝ સાથે વિશેષ મુલાકાત। ભુજ કે જો એસપી સાહેબ, ડીએસપી સાહેબ, પીડીજીપી સાહેબ, એડીજીપી સાહેબ સબ જબ આપ વ્યાજ કી બાત કર રહે હો તો યે ભાઈ 8 દિન પહેલે મેરે પાસ આયે થે, વો ભાઈ મેં રાજકીય ક્ષેત્ર મેં હું તો મેરે પાસ આયે, મેરે કો બતાયા ગયા તો ઇસ ભાઈ કો એફઆઈઆર ભી ઇસ ભાઈ કે ઉપર હો ગઈ। 3 લાખ રૂપિયા વ્યાજ પે લિયા થા એસે ભુજ કે અંદર 3 સે 4 મેઇન પોઈન્ટ હે, મેઇન પોઈન્ટ બોલે તો આપકા એસપી ઓફિસ સે આગે એક ઓફિસ હે वहाँ पे भी यूएच का धंधा है, उसके पास पूरा बुकलेट पड़ा है। जितने लोग पैसा लेते हैं मकान के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर 10%, 20% मीटर वाले पैसे, जैसे ऐसे भूज के अंदर 5 ऐसे पॉइंट है, जैसे माधापर है भूज के, ये मिर्जापुर रोड है जहाँ कलेक्टर साहब के घर से थोड़ा ही आगे वहाँ ऑफिस है, वहाँ पे ये लोग ब्याजखोर जो है वो खुद गुंडे को भेज रहे हैं। ये भाई 8 दिन पहले मेरे पास आया था, फिर मैंने बीडीओजे में इसको मैंने रुजू भी करवाए कि भाई ये खरेखर ये निर्दोष है। मैं पीआई साहब से बाहर छुट्टी में थे तो मैंने पुलिस स्टाफ को भी बताया था कि ये आदमी जो है वो निर्दोष आदमी है, उसके ऊपर 3 लाख रुपये में 2.5 लाख रुपये दे दिया ये भाई ने, कि भाई मेरे पास ये आया था 2.5 लाख रुपये दे दिया है और 2.5 लाख रुपये का मान पड़ा था उसका जो गुंगा है आरटीओ रिलोकेशन जहाँ पे आरटीओ का ऑफिस है उस बार वहाँ गुंगे है, वहाँ आर्मी का कोई अधिकारी है, रिटायर अधिकारी है, वो ही उसके ऊपर चीटिंग किया है। दूसरी बात में सारे भूज के अंदर व्याजखोरों ने इतना परेशान करके रखा है लोगों को, तो हमारे को रोज जैसे पुलिस को भी रोज फोन आते हैं, हमारे को भी हम राजकीय क्षेत्र में हमारे पास भी बहुत फोन आते हैं, तो यार हमारे को ये परेशान करता वो परेशान, हमारे को भी धमकियाँ मिलती है सर। मेरे पास अभी भी फोन रिकॉर्ड है मेरे पास, तो हमारे को धमकियाँ मिलती है यार आप इसमें से निकल जाओ, आप राजकीय क्षेत्र में व्याज करो, हमारे को पैसा दिया है तो हम व्याज तो लेंगे ना, ना उनके पास दो मतलब लाइसेंस है व्याज का, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा 5 जगह पे सर मैं आपको लिखित में देता हूँ कि मेन पॉइंट जो व्याज के मेन पॉइंट जहाँ रिक्शे वाले जो ऑटो वाले का शायद यहाँ बैठे होंगे तो वो डायरी लेते हैं, तो डायरी में ऐसा होता है कि 10,000 रुपये लो तो 7,000 मिलते हैं, 10,000 भरने का रोज का 200 रुपये भरने का, इसलिए भी सर रिक्शा वाले नहीं बोल सकेंगे क्योंकि वो उन लोगों को धंधा करना है उसके हिसाब से नहीं बोल सकते सर, हम बता देते हैं इसके लिए।